पलामू की बात कर लें तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आवागमन के लिए ई पास अनिवार्य कर दिया गया है। सिमडेगा की हम बात करें तो ई पास के बिना घरों से निकलना पूरी तरह से मना है, मगर वेबसाइट के बार बार हैंग होने से लोगों के लिए ई पास बनवाना टेढ़ी खीर बन गया है। ई पास बनवाने में हो रही परेशानी, वेबसाइट में दिक्कत की वजह से परेशानी, बिना ई पास के ही निकल रहे लोगों को हो रही परेशानी। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आवागमन के लिए ई पास जरूरी है। सिमडेगा में भी सख्ती से इसे लागू कराया जा रहा है, लेकिन लोगों को ई पास बनवाने में दिक्कतें आ रही। वेबसाइट में बार बार कोशिश करने के बाद ई पास नहीं बन पा रहा है, इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन से यही ट्राई कर रहे हैं, साइट पे लॉग इन ही नहीं हो रहा और बन ही नहीं रहा। बिना ई पास का कितना दिक्कत आ रहा है? बहुत हर समस्या, डर बना हुआ है, निकलेंगे तो कहीं पकड़ लेगा, क्या प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए लोग ई पास के लिए परेशान हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 17 मई की शाम तक सिमडेगा में महज 3530 लोगों ने ई पास बनवाई। SDO ने बताया कि वेबसाइट में परेशानी है, फिलहाल संस्था से निर्गत आई कार्ड को मान्य माना जा रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान सिमडेगा में 415 लोगों से फाइन वसूला गया है। ई पास की बात है, ई पास मैंडेटरी है, सबों को ई पास इशू करना होना ही है, वो ऑटोमेटेड जनरेटेड पासेस हैं। बट अभी तत्काल में सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी परेशानी के कारण नहीं जनरेट हो पा रही है, तो जो भी ऑफिसेस हैं उनके आई कार्ड से ही, उनका आई कार्ड जो बना हुआ है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं, आई कार्ड भी वो दिखा रहे हैं, या जो मीडिया कर्मी हमारे आई कार्ड दिखा रहे हैं, या जो भी संबंधित ऑफिसेस के हैं वो आई कार्ड दिखा रहे हैं, तो उनको हम लोग जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं। उसमें कुल 29,481 लोगों का को चेक किया इन लोगों ने, और इनमें से सार्वजनिक स्थानों पे बिना मास्क पहने हुए 415 लोग पकड़े गए और 2,08,500 रुपये जुर्माना स्वरूप वसूला गया। अब लोगों का ई पास नहीं बन पा रहा है, जिससे जरूरत वाले लोग भी अपना काम नहीं कर पाते, और अगर बिना पास बाहर गए तो फाइन देना। ऐसे में लोगों के पास दोहरी समस्या है। न्यूज़ 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। तुम्हारे सहयोगी आशीष जुड़े हैं और अधिक जानकारी के साथ। आशीष, क्या अभी भी परेशानी हो रही है ई पास बनवाने में, क्योंकि सरकार ने व्यवस्था को दुरुस्त किया है? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 4.0 16 मई से जब सख्ती बढ़ाई गई तब ई पास को अनिवार्य कर दिया गया। इसके पीछे देखिए सरकार की बहुत अच्छी मंशा थी कि ई पास के जरिए ही लोग आवागमन कर सकते हैं, बेवजह लोग घरों से बाहर नहीं निकलें और कोरोना संक्रमण का चेन टूटे, जिससे बहुत जल्दी हमारा जिला और राज्य जो है वो कोरोना मुक्त हो जाए। लेकिन आज ई पास जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। लोगों के बार बार प्रयास करने के बावजूद ई पास जनरेट नहीं हो पा रहा है, काफ़ी लोग परेशान हैं, अपने आवश्यकता के अनुसार लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हर किसी को दूध, सब्जी और अन्य सामग्रियों के लिए आवागमन करना बहुत ज़रूरी है। अब वो बिना ई पास के बाहर निकलते हैं तो हर चौक चौराहों पर जो तैनात है पुलिस, वो ई पास उनसे मांगती है और ई पास नहीं दिखाने पर उन्हें फाइन लगा दिया जाता है, तो लोगों के जेबों में भी असर पड़ रहा है। प्रशासन से हमारी इस संदर्भ में बात हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जो जारी किए गए कार्ड हैं उसके जरिए भी आवागमन कर सकते हैं जब तक ई पास सिस्टम में सुधार नहीं आ जाए। लेकिन हर किसी के पास सरकारी कार्ड नहीं, सरकार के द्वारा जनरेट किया हुआ आई कार्ड नहीं है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। यहां सरकार को और प्रशासन को एक विकल्प तलाशने होंगे कि या तो वेबसाइट सही हो या नहीं तो स्थानीय स्तर पर कुछ पास निर्गत किया जाए, जिसके जरिए वे लोग अपने घरों से बाहर निकलें और अपनी जरूरत के सामानों की खरीदारी कर सकें। जी, तो जरूरी भी है लोगों का बाहर जाना, और ऐसे में ई पास जारी न होने की वजह से कभी कभी परेशानी बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इन तमाम जानकारियों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।